नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। एक सेवन सीटर फैमिली कार, एसयूवी नहीं, एक सेवन सीटर फैमिली कार। हम लोग आमतौर पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, एसयूवी एसयूवी वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक ऐसी कार जो कि एसयूवी वाली कैटेगरी में नहीं आती है। ज़रूरी नहीं उसमें एसयूवी के सारे फीचर्स हो, लेकिन उसमें स्पेस काफ़ी हो। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उसमें सारी की सारी फैमिली बैठ सके, एक ऐसी फैमिली कार। ये फैमिली कार वाला जो स्पेस है, यहाँ पे ब्रांड इनोवा ने कब्जा कर रखा है। मतलब पहले इनोवा थी, अब इनोवा क्रिस्टा हो गई है और अच्छी खासी सेल्स कर रही है। सेल्स से मुझे याद आता है कि मारुति सुजुकी अर्टिगा, जो कि इस सेगमेंट में और मतलब सेल्स करने वाली कारों में शामिल होती है, बहुत ही भयंकर सेल्स वो एंजॉय करती है। इस सेगमेंट में अदर ऑप्शंस जो है वो हमेशा से स्ट्रगल करते नज़र आए हैं। फॉर एग्जांपल रेनोलॉजी रही हो, महिंद्रा ज़ाइलो रही हो, चाहे वो हेक्सा रही हो टाटा की, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम कैटेगरी में आ रही है, वो सब स्ट्रगल करते हुए। अगर आप काउंट करना चाहें तो गो प्लस को भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सेवन सीटर कार तो है ही आखिर। तो ये सब सेगमेंट में महिंद्रा ने फिर से एक कार लॉन्च की है, एक सेवन सीटर कार जो कि मराजो नाम से जानी जाती है। कुछ लोगों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आता है तो मैं बता दूं, महिंद्रा इसे मराजो कहना चाहता है। हालांकि स्पेलिंग में आपको मराजो लिखेगा, लेकिन मराजो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो मराजो जो है महिंद्रा की, वो यहाँ पे पेश की गई है महिंद्रा की तरफ से। गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कि महिंद्रा ने पहली बार की है। हालांकि जो सेगमेंट है वो महिंद्रा पहली बार ट्राई नहीं कर रहा है। तो क्यों ही ये गाड़ी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्या ये ब्रांड इनोवा जो है उसको कम्पीट कर पाएगी, जो कि इसकी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है। इसकी प्राइस जो है वो कंपटीशन से बाहर ही कर देती है इनोवा को एक तरीके से। लेकिन इससे एक चीपर अल्टरनेटिव मारुति सुजुकी अर्टिगा अवेलेबल है और उसका अपडेट भी आने वाला है। तो आखिर 10 से 14 लाख रुपये में आने वाली मराजो जो है वो किस सेगमेंट को पकड़ पाएगी, क्या वो अपने कस्टमर्स ढूंढ पाएगी, कैसी ये गाड़ी है, क्या क्या इसके पॉजिटिव्स है, क्या क्या इसके नेगेटिव्स है, उन सब की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। चलिए आइए थोड़ा सा इंजन की तरफ झांक लेते हैं। ऑल न्यू इंजन है महिंद्रा की तरफ से, 1.5 लीटर का इंजन है। 130 bhp की पावर ये इंजन आपको देगा और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है अपने सेगमेंट के हिसाब से भी। अगर आप कंपेयर करोगे तो मतलब लॉजी से भी ज़्यादा है और अर्टिगा से तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इसमें है। इंजन जो है वो आइडियलिंग पे भी इतनी आवाज़ नहीं करता है। अभी जब हम इसे चला के आ रहे थे तो रास्ते में भी काफ़ी कम जो है आवाज़ हमें इस इंजन से देखने को मिली थी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ इस इंजन के बारे में मुझे लगी। हालांकि थोड़ा सा ये है कि आप ज़्यादा रेव करोगे तो नो डाउट अंदर आवाज़ आने वाली है, लेकिन इतना कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ करने जैसा पहले हम ज़ाइलो वगैरह में देखते थे, एकदम कैबिन में खड़खड़ाहट होती थी, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट गाड़ी में जो है काफ़ी सारे सिस्टम जो है सेफ्टी सिस्टम जो है स्टैंडर्ड दिए गए हैं, ABS वगैरह, 4 डिस्क ब्रेक, ये सब स्टैंडर्ड दिए गए, वो भी एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे है। अंदर की तरफ अगर आप देखें गाड़ी में तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी, ये जो फ्लैट तरीके से दिखने वाला है यहाँ पे आपको डैशबोर्ड है वो नज़र आएगा। हालांकि ये फ्लैट दिखने वाला डैशबोर्ड जो है विजिबिलिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। उसके बाद जो है आपकी नज़र जाती है स्टीयरिंग व्हील पे, जो कि काफ़ी सुंदर दिखता है, एक अलग है। मटेरियल की अगर आप बात करेंगे और आप देखेंगे कि कौन सा मटेरियल आपको कैसा नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि भैया स्टीयरिंग जो है उस पर अच्छा मटेरियल यूज़ किया जा सकता था, यहाँ पे डैशबोर्ड पे और अच्छा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जा सकता था। लेकिन फिर आप जब प्राइस को देखते हैं तो उस हिसाब से ये मटेरियल थोड़ा जस्टिफाई करता है। हालांकि थोड़ा और बेटर जो है गाड़ी की फिटिंग हो सकती थी, वो बेटर हो सकता, क्वालिटी थोड़ी बेटर हो पाती तो वो अच्छा होता। कुछ कुछ जगह पे फील होता है जब आप दरवाज़ा खोलते हैं उस वक्त थोड़ा सा और अच्छी फीलिंग आती तो अच्छा होता। कुछ पार्ट शेयरिंग भी की गई है, जैसे कि ये स्विचेस जो है जो कि डोर पे हैं, अगर आप इस तरफ भी देखेंगे दूसरी तरफ भी, तो वो भी आपको जो है पार्ट शेयरिंग वाले ही मिलेंगे। जैसे कि ये सारे स्विचेस जो हैं ये पुरानी महिंद्रा में आप देख चुके हैं, ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ पे जो ये बटन्स दिख रहे हैं ये सारे भी पार्ट शेयरिंग वाली चीज़ें ही आपको बताती हैं। ऑलरेडी ये बटन्स हम देख चुके हैं महिंद्रा की अलग अलग गाड़ियों में। बाकी ऐसा सच कोई कंप्लेन वाली चीज़ नहीं है। जो अच्छी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, वो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और साथ ही में इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। बटन्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनका टच फील जो है बहुत अच्छा है और इजी टू रीच है ये सारे बटन्स जो यहाँ पे है। इवन हॉर्न पैड जो है वो भी बहुत ही इजी दबाया जा सकता है, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। ये एक जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, अलग सा स्पेस जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा पता नहीं कितना यूजेबल रहेगा यहाँ पे। हालांकि मैंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इस वाले को मैंने कवर होते हुए भी देखा है, शायद वो लोअर वेरिएंट में ये कवर भी हो जाता है। बाकी ये थोड़ा सा अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो ये थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे है, तो नो डाउट गाड़ी वो टॉप लेवल फिनिशिंग के साथ में नहीं आती है जो आपको क्रिस्टा में मिल सकती है, बट यहाँ पे कोई भी ज़्यादा कंप्लेन करने लायक चीज़ नहीं है।
महिंद्रा मराडजो का इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो है, म्यूजिक सिस्टम, वो बहुत ही सारे ऑप्शंस के साथ में आता है। एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे अवेलेबल है, हालांकि एप्पल कारप्ले इसमें अवेलेबल नहीं है। और ये जो पहले हम महिंद्रा की तरफ से देख चुके हैं, जो इकोसेंस वगैरह जो भी सिस्टम आते थे हम एक्सयूवी वगैरह में देख चुके हैं, वो सारे फीचर्स इसमें लोडेड है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑडियो जो है, आउटपुट जो स्पीकर से निकलता है ऑडियो आउटपुट, वो अच्छा है, लेकिन हेक्सा जो है वो अभी सेगमेंट में लीडर रहेगी इस मामले में। उसका ऑडियो आउटपुट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस स्क्रीन का टच रिस्पांस जो है वो काफ़ी अच्छा है, और ये टच रिस्पांस जो है, अगर जब भी आप टच करते हैं उसके साथ में एक वाइब्रेशन का फीडबैक और इसमें मिलता है, जो कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह में आपको आदत होगी उसकी, तो ये उस तरीके का फील करवाता है। हालांकि लोअर वेरिएंट जो है उनमें एक अलग तरीके का म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको जो है नेविगेशन वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है। रिवर्स कैमरा जो कि है यहाँ पे काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी दे देता है आपको। हालांकि क्वालिटी इसकी और ऊपर जा सकती थी, लेकिन जितना काम जो इसका है, जो पर्पज़ है, वो ये सर्व कर देगा। नाइट में हमें इसे टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। और बहुत सारे फीचर्स जो है वो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे फीचर, मतलब एनिवर्सरी, बर्थडे, फ्यूल, कितना डिस्टेंस क्या है, नेविगेशन जो आप मेन स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको 2-3 दिन तो ये सारे ऑप्शंस जो है जानने में ही लग जाएंगे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। फीचर्स वगैरह के मामले में महिंद्रा जो है वो अपनी कार्स रेगुलरली डेवलप करता जा रहा है। कोई एक टाइम था जब हमें बिल्कुल भी फीचर्स देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब ये जो फीचर्स हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और म्यूजिक सिस्टम वाले, ये भी काफ़ी देखने को मिले हैं। तो अभी बात करते हैं स्पेस और कंफर्ट की, जो कि अलग अलग सीट्स पे ऑफर होता है। फर्स्ट सीट पे कैसा है पैसेंजर में, सेकंड पे बैठूंगा, फिर मैं थर्ड पे बैठूंगा और आपको बताऊंगा कहाँ कैसा स्पेस जो है वो मुझे महसूस हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ड्राइवर के पास में जो पैसेंजर सीट है वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल है। मतलब कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, अगर आप टॉल भी हो तो। मेरे पास थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी है, हैंड रेस्ट करने के लिए दिया गया है, आपके पास दूसरी तरफ भी हैंड रेस्ट करने का पोजीशन है। फर्स्ट रो में जो है बॉटल होल्डर्स वगैरह है, वहाँ पे भी इजी एक्सेस है आपके पास। हालांकि अगर आप ज़्यादा लंबे हैं तो आपको सीट जो है ऑल द वे बैक करने में दिक्कत नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। लेकिन पिछला पैसेंजर जो है उसके पास ज़्यादा ऑप्शन उसके बाद नहीं होता है। फ्रंट सीट अगर ऑल द वे आप बैक कर लें तो, अगर मैं बात करूँ रिक्लाइन की तो बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पीछे चला गया हूँ। रिक्लाइन की बात करें तो अच्छा खासा रिक्लाइन है, कोई परेशानी यहाँ पे भी आपको नहीं होनी है। हालांकि आपको एक सेफ्टी रिलेटेड मैं एडवाइस देता हूँ कि जब भी आप ऐसे रिक्लाइन करके सो रहे हो तो सीट बेल्ट का कोई मतलब नहीं रहता है, पहन के रखा करो लेकिन मतलब नहीं रहता, क्योंकि आप स्लाइड कर जाते हो उसके अंदर में। तो कभी भी अगर आपको सोना है जल्दी गाड़ी में तो आप पिछली सीट्स प्रेफर किया कीजिए। बाकी मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मुझे लगता है कि अगर आपकी हाइट जो है वो 6'5" तक भी है तो भी यहाँ पे मराजो से रिलेटेड कोई खास परेशानी नहीं हो रही है। मेरे पास निकल है, वो अपनी चेक कर रहा है 6 फीट कितने इंच, 6'2" है, और उसको कोई प्रॉब्लम, उसके ऊपर ऑब्वियसली आराम से 3-4 इंच का स्पेस बचा है, तो चलो ये अच्छी चीज़ है। अभी चलते हैं पिछली सीट पे। अब मैं बैठा हूँ सेकंड रो वाली सीट पे, और फ्रंट सीट जो है वो निखिल की हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, जो कि 6'2" है और थोड़ी सी पीछे की तरफ रिक्लाइंड है। उसके बाद यहाँ पे डिसेंट स्पेस अवेलेबल है। हालांकि ये वाली सीट जो है ये आप पीछे भी कर सकते हो, तो आपकी हाइट यहाँ पे फिर से 6 फीट है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी, अगर आगे भी 6 फीट का बंदा बैठा है तो। हेडरूम बहुत अच्छा अवेलेबल है। एसी जो है इसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है इसका डिफ्यूज़ और डायरेक्ट वाला जो सिस्टम है वो काफ़ी पसंद आ रहा है मुझे, उसकी बात बाद में करते हैं। अभी इस सीट को मैंने ऑल द वे बैक कर रखा है, पीछे पुश कर रखा है, और अगर मैं अब इसको रिक्लाइन करना चाहता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मैं इतना ही रिक्लाइन कर पाऊँगा। मुझे याद है इनोवा की सीट जो है वो थोड़ी ज़्यादा रिक्लाइन इससे हो जाती है, इससे ज़्यादा मैं रिक्लाइन यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कंफर्ट के हिसाब से बात किया जाए तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरे पास सूरज की किरणों से बचने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, और उसके बाद में क्लस्ट्रोफोबिक टाइप की कोई फीलिंग कैबिन में नहीं है, क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। छोटे छोटे टचेस जो अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है किस जैसे यहाँ पे ये सॉफ्ट लेदर टाइप जो टच दिया गया है वो ऊपर भी कहीं दिया जा सकता था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट कटिंग अगर इस जगह की भी जाती है तो कोई नोटिस नहीं करेगा, तो बस यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं हो रही। लेकिन जो परेशानी है वो ये है कि अगर सीट पे आप बैठे हैं और अगर आपको अपनी बॉटल्स वगैरह एक्सेस करनी है तो वो करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है,
सीट जो है काफ़ी एक्सटेंड हो जाती है, तो वो छोटी सी परेशानी आपको यहाँ हो सकती है। बाकी ये जो गाड़ी में बैठा हूँ ये 8 सीटर एरिया नहीं है, आपको 8 सीटर भी मिलता है उसमें, ये जो बीच वाला एरिया है जो ये काफ़ी स्पेस खाली हो जाता है। हालांकि मुझे लगता है उसकी सीटिंग का कम्फर्ट थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि ये कैप्टन सीट से इनका कम्फर्ट बहुत अच्छा आ रहा है, हेडरेस्ट वगैरह जो है इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ऐसे कम्फर्ट में नहीं आ रही है। राइड क्वालिटी मैं अभी आगे गाड़ी चलाऊंगा तब बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे बैठ के भी मुझे जिस हिसाब से लग रहा है, एक बार निकल हल्का सा स्टीयरिंग टिल्ट करना बॉडी रोल, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है, अच्छा है, कंट्रोल्ड है काफ़ी, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अच्छे से याद है स्कॉर्पियो या जायलो के पीछे की सीट पर बैठते तो काफ़ी झूलती थी, वो वाली फीलिंग यहाँ पर नहीं है। मेरे ख्याल से लॉन्ग राइड्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई अगर आप यहाँ पे सो भी रहे हो इस पीछे वाली सीट पे बैठ के। तो अब मैं आ गया हूँ इसकी लास्ट रो पे, इसकी लास्ट रो सीट बेल्ट का है, ओके यहाँ पे चलो सीट बेल्ट अभी नहीं लगाते हैं थोड़ी देर के लिए। इसकी लास्ट रो पे स्पेस अगर आप मुझे पूछो तो डिसेंट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दब जाओगे। वैसे मैंने ये वाली सीट जो है ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, मैंने जो ऑल द वे बैक नहीं है थोड़ा सा आगे की हुई है, और ये वाली सीट जो है मैंने पूरी पीछे कर रखी है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है पाँव रखने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं एक पाँव जो है इस बीच वाले एरिया में डाल सकता हूँ और एक पाँव यहाँ पे। प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है कि जब वो 8 सीटर वाले वेरिएंट में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उस वाली वेरिएंट में मुझे लगता है यहाँ सिर्फ बच्चे पसंद कहेंगे रहना। बाकी अभी जो देखा जाए, मतलब अभी जिस हिसाब से मैं बैठा हूँ मुझे लगता है कि कोई परेशानी किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए 200-300 किलोमीटर की राइड के लिए। तो अच्छा है सब कुछ, आपके पास यहाँ पे लैंप्स भी मिलते हैं आपको डेडिकेटेड, एसी वेंट्स यहाँ तक एक्सटेंड होते हैं ऑल द वे, हेडरेस्ट भी है आपके पास, अच्छा है। अगर 200-300 किलोमीटर तक जाना है आपके पास तो दो जने तो कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, तीन बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन 8 सीटर वेरिएंट में मुझे लगता है शायद ये रो में बैठना उतना अच्छा नहीं लगेगा किसी को। 7 सीटर वाला ये जो वेरिएंट है इसमें तो बैठने में कोई खास तकलीफ मुझे हो नहीं रही है। बॉटल होल्डर्स आपके पास अवेलेबल है, हालांकि कोई चार्जिंग सॉकेट जैसी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, जो नियरेस्ट चार्जिंग सॉकेट है वो फ्रंट में है और वो भी 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है, डायरेक्टली चार्जिंग पोर्ट दिया गया है आपको USB से। अब हम आ बैठे हैं मेराजो के अंदर ड्राइवर सीट पे, ड्राइवर सीट पे बैठते ही जो है वही फैमिलियर चीज लग रही है क्योंकि बाकी सीट से ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि निखिल की हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है मेरे से और वो बता रहा था कि उसको जो है बाकी एरिया जो बटन्स है जो सेंटर कंसोल में उस पे पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत उसको हो रही थी। मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं पूरे टच स्क्रीन वगैरह पे ऑल द वे पहुँचता जा रहा हूँ, कंफर्ट लेवल गाड़ी का काफ़ी अच्छा है ड्राइवर सीट पे भी। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मेराजो के बारे में डाउट होती है वो है मतलब कि जैसे महिंद्रा की ऑब्वियसली इतनी सारी कारों में जो है हमें राइड क्वालिटी से रिलेटेड इशू लगे थे, उस चीज़ पे लोगों को डाउट होता है, तो वो चीज़ टेस्ट करते हैं, हैंडलिंग टेस्ट करते हैं, साथ ही में ये भी टेस्ट करते हैं कि गाड़ी जो है वो किस तरीके से ब्रेक कर रही है, मतलब ब्रेकिंग करने पर उसकी क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि कई ऐसी महिंद्रा कार जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में हमने देखा है कि ब्रेक करते वक्त मतलब वो उनका पूरा तरीका ही बदल जाता था गाड़ियों का, डिसबैलेंस होने वाली चीज़ उसमें हमें महसूस होती थी। एक चीज़ और है, अभी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, जब मैं आसपास देख रहा हूँ मुझे कहीं भी विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो रियर व्यू मिरर है उसमें ज़रूर मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर का व्यू दिखा रहा है आपको, जो कि एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ मुझे लग रही है। हालांकि ऐसा कोई धीरे धीरे आदत पड़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ वहाँ प्रॉब्लम होगी, पर वो बहुत छोटा लग रहा है मुझे, वो स्पेस काफ़ी छोटा लग रहा है वहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे टच जो है ड्राइवर के लिए दिया गया है, वो पहले हम XUV में देखा करते थे पुरानी वाली में, ये मिरर दिया गया जिससे आप सारे पैसेंजर की शक्ल देख सकते हो यहाँ बैठ के। एनीवेज गाड़ी की हैंडलिंग, गाड़ी के पिकअप वगैरह से रिलेटेड अब बात करते हैं, गाड़ी का एक स्प्रिंट रन करते हैं। ₹2000 से लेके 3500 के बीच में इसकी पावर है, उसके बाद रेव करने से ज्यादा मतलब है नहीं। हालांकि जो मुझे अभी ऑलरेडी लग रहा है वो ये कि गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, 100 से ऊपर जाती है, ओवर स्पीड वार्निंग दी है इसने 120, थोड़ा सा स्लो डाउन नहीं करना पड़ेगा 140, अब 6th गियर में आए हम, गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 6th गियर में 140 पे 3000 RPM पे है। कमाल की स्टेबिलिटी गाड़ी की, वाह महिंद्रा की गाड़ी में स्पीड पे मैं हाथ छोड़ सकता हूँ ऐसा मुझे लगा नहीं था कभी, 160 की स्पीड तक गाड़ी पहुँच गई है।
ये एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है, इसकी ब्रेकिंग जो है बहुत ही स्पंजी है, ब्रेक असिस्ट नहीं आता इस गाड़ी में, थोड़ी स्पंजी सी ब्रेकिंग है, मतलब आप उसका स्पंज जो होता है ना वैसी फील आ रही है, मुलायम सी ब्रेकिंग जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ी सी ब्रेकिंग बेटर हो सकती थी। चार डिस्क हालांकि हमें इस गाड़ी में मिलते हैं, पर हैंडलिंग और जो गाड़ी का बैलेंस था वो बहुत अच्छा था, इवन दिस इस हाई स्पीड पे भी। वाओ, वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, मुझे नहीं लगा था महिंद्रा की कुछ कार जो है इतने अच्छे हैंडल कर पाए, इवन एक्सयूवी जो है उसका वेट ज़्यादा है वो भी इतनी अच्छी हैंडल नहीं कर पाती, इतनी मरज़ों कर पा रही है। सिटी वगैरह में ड्राइवेबिलिटी की अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा गियर बॉक्स जो है उससे बार बार खेलना पड़ेगा, मतलब गियर चेंजेस जो है आपको हिसाब से करने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि पिकअप कम है या ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, नो डाउट इनोवा वगैरह से काफ़ी छोटा इसका इंजन है, पावर और टॉर्क जो है कम है, लेकिन इसका वेट भी उससे कम है तो वो चीज़ें बराबर हो जाती है। अब वापस मेरा मन कर रहा है एक बार स्प्रिंट रेसिंग करने का। शानदार, थोड़ी सी ब्रेकिंग अगर इम्प्रूव कर देते महिंद्रा वाले तो मज़ा जो है दो तीन गुना हो जाता। पर हाँ, आपको जो है बार बार इसको गियर्स जो है प्रॉपर रखने पड़ेंगे, वरना मेरी तरह आप स्टॉल करते जाएंगे कार को बार बार, तो गियर्स जो है वो आपको प्रॉपर वर्क करते रहना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि क्लच जो है वो काफ़ी लाइट है, क्लच मतलब आपको दबा के रखने में बार बार परेशानी नहीं होगी। एक और चीज़, गियर जो है उसमें कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे हल्की सी मतलब गियर्स जो है उसमें स्मूदनेस की कमी है, कोई वाइब्रेशन वगैरह लेकिन नहीं आती है। ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ और बातें की जाए तो कार में एक इको मोड भी अवेलेबल है। इको मोड जो है वो आपको फ्यूल इकोनॉमी बढ़ा देगा। सिटी में हालांकि गाड़ी जो है 11 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे 15 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज देगी, जो कि अगर आप कंबाइन करें तो 13.5 किलोमीटर पर लीटर आपको माइलेज गाड़ी दे सकती है। हालांकि इस इको मोड जब आप चलाएंगे तो आपको शायद सिटी में 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी मिल जाए और हाईवे पे थोड़ा और ज़्यादा हो जाए। लेटर फ्रेम चैसी है और वो जो है फ्रंट व्हील ड्रिवन ड्राइव ट्रेन के साथ में दी गई है। ये चीज़, ये कॉम्बिनेशन जो है, हालांकि काफ़ी लोगों ने पहले सोचा है इसके बारे में, लेकिन महिंद्रा कहता है कि पहली बार प्रोडक्शन में आया है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है, कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं हो रही है, दोनों का बेनिफिट जो है वो मिल रहे हैं यहाँ पे, अच्छी राइड क्वालिटी मिल रही है, फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है, स्टिफनेस मिल रही है लेटर फ्रेम की, जो कि आप गड्ढों में जाते हो तो आपको पता भी चलता है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगता है कि हाँ भाई गाड़ी जो है उस रफ एंड टफ है। गड्ढों में जाने से याद आया कि सस्पेंशन जो है उन्हें तीखे खड्डे जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल वो आवाज़ करते हैं, छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वहाँ पे थोड़ी आवाज़ करते हैं, हालांकि उनके अलावा कहीं भी सस्पेंशन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट आप जब गाड़ी में 3-4 लोग बैठे हो उसके बाद तो सस्पेंशन जो है और अच्छे तरीके से मज़ेदार तरीके से बिहेव करते हैं, तो गाड़ी को चलाने में भी कॉन्फिडेंस बना रहता है। महिंद्रा मराजो का एसी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, खासतौर से जो डिफ्यूज़ ऑप्शन एसी में दिया गया है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये सच बात है कि जब एसी सीधा मुंह पे हवा फेंकता है तो वो थोड़ा सा इरिटेशन करता है, परेशानी उससे होती है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड रो में पैसेंजर बैठे हैं उनको ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, हवा भी मिलती रहेगी और सीधा जो है मुँह पर जो हवा पड़ती है वो वाले प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है उनको। रूफ माउंटेड एसी देना एक अच्छा डिसीजन मेरे ख्याल से यहाँ पे रहा है महिंद्रा मराजो की तरफ से। मराजों में जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई उनमें एक चीज़ जो है वो ये कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सपोज्ड है, चाहे वो सीट जहाँ पे लग रखी है, चाहे वो सीट बेल्ट जहाँ पे बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें जो है खुली है, दिखती है, तो वो इसमें और बेटर फिनिशिंग कैसे ना कैसे की जा सकती थी, अगर वो किया जाता तो नो डाउट मुझे कुछ खास नहीं मिलता इस गाड़ी में कंप्लेन करने को। स्पेस की अगर बात करें तो ग्लो बॉक्स जो है डिसेंट साइज़ का है, लेकिन साइड में जो स्पेस दिया गया है सेंटर कॉन्सोल में ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे अंदर यूँ खड्डे में से फील होते हैं, मतलब उनको एक्सेस कर पाना इतना ईजी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड आप इशू मान सकते हैं स्पेस में। बाकी स्पेस जो है वो दिया भरपूर गया है, बस एक्सेस में थोड़ी परेशानी आपको होगी।
कुछ और चीज़ें मिस आउट की गई है, जैसे कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह नहीं दिए गए हैं गाड़ी में, टॉप एंड वेरिएंट में भी, जो कि मेरे ख्याल से कोई एक ऐसा फीचर है कभी कभार लोग माइंड कर लेते हैं, बाकी कोई खास परेशानी उससे नहीं होने वाली है। मोस्टली जो लोग हैं इस सेगमेंट को खरीदने वाले, उनकी आदत अभी भी जो है जो कन्वेंशनल की है उसी की है। तो ये सब था महिंद्रा मिराजो के बारे में हमारी तरफ से, जितने भी पॉजिटिव जितने भी नेगेटिव जो भी चीज़ें हमें महसूस हुई हमने आपको बता दी है। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मिराजो क्या एक ख़रीदने लायक प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली जिस प्राइस ब्रैकेट में महिंद्रा मिराजो आती है उस प्राइस ब्रैकेट में नो डाउट इस वक्त फ़िलहाल कोई भी कॉम्पिटिशन में अवेलेबल कार जो है वो इतनी बेहतर फील नहीं होती जितनी महिंद्रा मिराजो आपको फील होगी। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपका बजट कम है तो नो डाउट एर्टिगा थोड़ी सी आपको ज़्यादा लुभा सकती है, और अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा है 20 लाख के आसपास है तो इनोवा आपको लुभा सकती है। लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट के साथ में गाड़ी अवेलेबल है 10 से लेके 15 16 लाख के आसपास तक के जो भी बायर्स होंगे उनको 7 सीटर कार अगर चाहिए होगी तो ये ऑप्शन जो है बहुत ही बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी लग सकता है। यहाँ पे मिराजो के साथ में महिंद्रा ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव की है, ये देख के अच्छा लगता है जब एक इंडियन ब्रांड जो है इस तरीके से चीज़ें इम्प्रूव करता जाता है और एक बेहतरीन पैकेज जो है हमें देखने को मिलता है। फिलहाल आपका मिराजो के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, गाड़ी फाई साइट पे डेली आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।